सोलन का नाम माता शूलनी से पड़ा है और माता शूलनी सोलन के वार्ड नंबर 8 में बसती है, क्योंकि माता का मंदिर इसी वार्ड में है। यहाँ लोग भारत के कोने कोने से माता का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। देखा जाए तो सोलन में ये सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है। इस वार्ड में नगर परिषद द्वारा कितना विकास किया ये जानने के लिए यहाँ के वासियों से बात की गई, तो उन्होंने यहाँ के बाद एक कई समस्याएं मीडिया के समक्ष रखी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस वार्ड में विकास की कुछ कमी रह गई है। वार्ड में अच्छी सड़कें तो बनी है, लेकिन नालियां ठीक नहीं की गई। गंदगी का आलम भी इस वार्ड में देखने को मिला। नगर निगम चुनावों को लेकर वार्ड नंबर 8 की निवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि माता शूलनी के मंदिर में लोग दूर दूर से यहाँ माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ आए पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं कूड़े की व्यवस्था बहुत खराब है, सफाई कर्मी पर कूड़ा लेने नहीं आते हैं, जिसके कारण कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जिसके चलते धार्मिक आयोजन सड़कों पर आयोजित करने पड़ते हैं और वे ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि रात को स्ट्रीट लाइटें ज्यादातर बंद रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ नशा करने वाले युवक बहुत ज्यादा होते हैं। बहु बेटियों को घर से निकलना रात को मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे चाहते हैं कि नगर निगम में चुनावों के बाद स्थिति को सुधारा जाए। देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है, यहाँ पर कम्युनिटी हॉल जो है उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर एक संस्था बनी हुई है, श्री राम मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, तो हम यहाँ पर कोई गणेश उत्सव करते हैं, कभी कोई फंक्शन करते हैं, तो हमारे पर हॉल की बहुत कमी रहती है, तो तब हमें ये फंक्शन जो है सड़क पर करना पड़ता है, जिससे कि ट्रैफिक भी रुकता है। तो ये पहला तो हमारा जो भी वार्ड मेम्बर यहाँ से जीत के आए, हम चाहेंगे कि वो इस ओर ध्यान दें। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी वार्ड के लिए खड़े हो रहे हैं, कम से कम शिक्षित हो, थोड़ा उसको ज्ञान भी हो वार्ड के बारे में, ये नहीं कि एक बार के बाद दोबारा आए ना। यहाँ पर ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, कूड़ा इधर उधर लोग गिरते हैं, हालांकि कमेटी अपना काम कर रही है, कूड़े वाले आ रहे हैं, घर घर से कूड़ा भी ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सारे काम पार्षद के नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे होने के बावजूद जो लोग हैं अपना कूड़ा सड़कों पर डालते हैं, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है, हालांकि जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी कोई मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं, तो उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई भी हो। पार्किंग की बड़ी कमी है यहाँ पे, और थोड़ा मैं ये चाहूँगा कि कभी कभी यहाँ पर पुलिस भी गश्त किया करे, क्योंकि आजकल के जितने भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे युवा ऐसे देखे जो नशे से ग्रस्त है, इतना तेज़ यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, बाइक स्कूटी लेकर इतना तेज़ यहाँ से चलते हैं कि किसी के बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, किसी के बच्चे को चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इवन रात को अगर किसी महिला ने यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से भी कि वो यहाँ पर आएँ और गश्त करें। यहाँ पर 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद औरतों का निकलना मुश्किल है, ज़्यादातर लड़के यहाँ पर नशे करते हुए पकड़े जाते हैं। कि हमें पता लगा है कि इसको नगर निगम बना दिया गया है और 17 वार्ड कर दिए गए हैं, बहुत खुशी की बात है। हम अपने CM साहब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया है कि जिस तरह से कि हमारे अभी भी हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा है, हमने एक फ्लैट लिया है, अपनी दिन रात की मेहनत करके किस तरह से एक फ्लैट खरीदा है, उसके ऊपर टैक्स कितनी मार है, ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर किराएदार हूँ, ऐसा महसूस होता है। और क्या पता कि अब ये निगम बन जाएगा तो उसके बाद ये कॉरपोरेशन बन जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाएँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी सरकार से गुजारिश है कि टैक्स को यथा जैसे भी है वैसे रखे जाए, कोई टैक्स बढ़ने नहीं चाहिए। एक तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा कम है, जो जौनाजी रोड पे मतलब स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग रात को ट्यूशन से घर जाते हैं या फिर कहीं से भी घर जाते हैं, तो हमें अनसेफ फील होता है, मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए, और मतलब यहाँ पे कोई सफाई करने वाला भी नहीं होता, और यहाँ पे ना ही कूड़ा उठाने वाले आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या शूलनी देवी मंदिर यहाँ से काफ़ी समीप है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए पार्किंग की समस्या मेन होती है, वो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से जाम लगता है। जो शूलनी देवी मंदिर के ऊपर जगह है वो कमेटी की है, वहाँ पे एक अच्छी पार्किंग बनानी चाहिए, जिससे शूलनी देवी मंदिर में आने वाले देश विदेश के जो भी आते हैं लोग उनको सुविधा मिले। यहाँ पे जो गंदगी के लिए बनाए हुए थे डंपर, वो डंपर सिस्टम द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जो कूड़े वाले आते हैं कई बार कूड़ा लेने आते हैं तो घरों में लोग नहीं होते हैं, तो कूड़ा इकट्ठा रहता है उनका, और जिस टाइम पे वो आते हैं उस टाइम लोग कई लोग सोए होते हैं, रात को देर तक ड्यूटी दे के आते हैं, इसलिए यहाँ पे द्वारा डंपर सिस्टम होना चाहिए और लॉक्ड होना चाहिए वो, जिससे कि कुत्ते वगैरह उसमें ना घुस पाए। ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पर रोड पर पार्किंग की है, क्योंकि गाड़ियाँ रोड पर लगती हैं तो जिसकी वजह से जाम अमूमन देखा जा सकता है,
तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पार्किंग एक अच्छी तरह अवेलेबल कराया जाए। गैस ग्राउंड से लेकर डीसी रेजिडेंसी नीचे जौना जी रोड तक तो कोई भी ऐसा पब्लिक टॉयलेट नहीं है जहाँ पर कि लेडीज़ या कोई भी जेंट्स पब्लिक टॉयलेट को यूज़ कर सके। और जैसे कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी आवश्यकता है और कंप्लीट जो भी यहाँ टायरें लगी इसके भी कुछ नालियाँ काम अधूरा बहुत पेंडिंग रहा। और जैसे भी कुछ भी कोई भी दिक्कत है लोगों की सीवरेज की समस्या है और बाकी लोग बहुत परेशान हैं। जो भी कोई पार्षद आज तक बने हैं कोई बहुत बावजूद बोलने के बाद नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि लोग अपनी अपनी समस्या को हल करना चाहते पर होती नहीं है। उनके बारे में क्या कहना है भैया? इधर तो मतलब पार्किंग की तो है ये दिक्कत, बल्कि गंदगी भी बहुत है। सुबह कूड़े वाले भी लेट से आते हैं, गंद भी सड़क पे रहता है पड़ा हुआ, तो काम तो बहुत है अभी। और बाकी रोड भी थोड़ा कच्चा सही आगे आगे बहुत गंदा है, गिर भी जाते हैं लोग, बहुत गिरे भी है।